नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आज आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य। जी हाँ, भारतीय इतिहास का मौर्य साम्राज्य के बाद एक महत्वपूर्ण चैप्टर या महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। कल हमने गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत देखे, जिसमें हमने कुछ अभिलेखों के बारे में चर्चा की थी जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट अभिलेख थे, जिसमें हमने पहला जो देखा था उसका नाम था समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। इससे संबंधित सभी पॉइंट हमको याद होने चाहिए थे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसकी रचनाकार का नाम हरिशेन है, यह समुद्रगुप्त का सांधि विग्रहिक के पद पर था और भी अन्य दो पद पर था, सांधि विग्रहिक के पद पर था। इसने इस प्रशस्ति को संस्कृत भाषा में चंपू शैली में लिखा था और इस प्रशस्ति का सबसे महत्वपूर्ण विषय था समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का उल्लेख। इसके अलावा हमने कुमारगुप्त का मंसूर अभिलेख, कुमारगुप्त का भिलसड अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, जिससे हमको गुप्त शासकों और गुप्त वंशावली की जानकारी मिलती है। गुप्त साम्राज्य की बात है तो इन अभिलेखों से हमको गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमने गुप्तों की उत्पत्ति को लेकर के विभिन्न मत देखे। सभी विद्वानों के कुछ विद्वान लिखे अपन ने और सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। ब्राह्मण मत भी दिया गया, क्षत्रिय मत भी दिया गया, वैश्य मत भी दिया गया और शूद्र मत भी दिया गया। इसके बाद हमने गुप्त शासकों का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा कि पहला जो गुप्त शासक था जिसका नाम था श्रीगुप्त। जी हाँ, पहला जो गुप्त शासक था उसका नाम था श्रीगुप्त, ठीक है। इसी के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। इसकी जो उपाधि महाराजा धीराज थी, यह किसी के अधीन शासक था, ठीक है, मतलब स्वतंत्र शासक नहीं था। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम है घटोत्कच। इसने भी महाराज की उपाधि ही ली थी, ठीक है, दोनों की उपाधि सेम थी। और उस समय महाराज वह व्यक्ति या वह शासक कहलाता था जो स्वतंत्र शासक ना होकर के किसी के अधीन रहता चला रहा। इसके बाद जो शासक हम अपने पढ़ेंगे या जिसके बारे में हमने देखा उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, जो शासक है उसका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसका जो समय रहेगा 335 ईस्वी तक यह गुप्त शासक रहेगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को देखो, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पहला पॉइंट यह है कि इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को, क्योंकि यह तो सिर्फ वंश की स्थापना करता है या वंश की शुरुआत करता है। उपाधि महाराज है, मतलब किसी के अधीन शासक है। और घटोत्कच भी ऐसा ही था, पहली बार जो सत्ता की स्थापना करता है, साम्राज्य की स्थापना करता है, अपने नाम से सत्ता चलाता है या फिर किसी के अधीन शासक नहीं था, वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर इसकी उपाधि की बात करूं तो इसकी उपाधि जो थी वह थी महाराजा धीराज। तो इसकी महाराजा धीराज की उपाधि यह निगेट करती है कि यह स्वतंत्र शासक था, किसी के अधीन शासक नहीं था। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम तैयार करें इसी उपाधि के साथ में, तो ये गुप्त शासकों में पहला प्रथम स्वतंत्र शासक था। तो पहला स्वतंत्र शासक भी कौन हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने अपना राज्याभिषेक, ठीक है, इसने अपना राज्याभिषेक 319 ईस्वी में करवाया था। तो 319 में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर, राज्याभिषेक 319 में होता है और 319 में ही अपने राज्याभिषेक के अवसर पर ये अपने नाम से एक नवीन संवत चलाता है और उस संवत का नाम है गुप्त संवत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक करेंगे कि किस गुप्त शासक के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया। तो पहला तो नाम हो जाएगा
चंद्रगुप्त। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त के द्वारा या चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किस सन में या किस ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया, तो वह 319 ईस्वी। तो पहले के शासक अपने राज्याभिषेक या अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के बाद किसी यज्ञ का आयोजन करा करके अपने वंश के नाम से संवत का प्रारंभ करते थे, फिर वह अपने साल को उसी के आधार पर गिना करते थे। तो हमारे लिए तो ये 319 ईस्वी है, लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है तो इसने इसको काउंट करना शुरू कर दिया 1, 2, 3 से, यानी प्रारंभ से इसने अपने नाम से क्या चला ली, संवत। ये हम सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से उन्हें इस प्रकार से लिखते हैं। तो उन्होंने अपने समय को यहाँ से 1, 2, 3 करके काउंट करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। तो गुप्तों का जो संवत चला था वो गुप्त संवत था, और ये प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, और जिस समय प्रारंभ किया वह समय था 319 ईस्वी। जैसे जैसे हम शासक पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास कुछ संवत आते रहेंगे, जैसे शक संवत है, मालव संवत है वगैरह, सबकी चर्चा करेंगे हम शासकों के साथ में। तो गुप्त संवत का प्रारंभ करने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। एक और चंद्रगुप्त प्रथम का महत्वपूर्ण कार्य कि इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, तो वह विवाह करने वाला कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में क्या किया था, विवाह किया था। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा एक सिक्का चलाया गया, जिस सिक्के पर एक तरफ राजा रानी का चित्र अंकित था, एक तरफ राजा व रानी का चित्र क्या था, अंकित था। तो यह जो सिक्का चलाया गया वह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। किसने चलाया, समुद्रगुप्त ने, कि समुद्रगुप्त ने अपने पिता की स्मृति में इस प्रकार का सिक्का चलाया। इस सिक्के में राजा और रानी दोनों का चित्र है, तो राजा अपनी रानी को अंगूठी जैसी कोई चीज दे रहा है, इस प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, लेकिन कुछ विद्वानों ने माना है कि यह सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था अपने पिता की स्मृति में। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने सब उन पॉइंटों की चर्चा की है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे और रिवाइज करते चलेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का समय 319 से लेकर के 335 ईस्वी। इसे गुप्त शासकों का या गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसकी वजह है इसकी उपाधि महाराजा धीराज, मतलब यह है स्वतंत्र शासक था। गुप्तों का पहला स्वतंत्र शासक भी चंद्रगुप्त प्रथम है। इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो 319 ईस्वी में हुआ, और अपने राज्याभिषेक के अवसर पर इसने नवीन संवत का प्रारंभ किया, और वो संवत था गुप्त संवत जो इसने 319 ईस्वी में चलाया। नेक्स्ट, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और कुमार देवी से विवाह किया इसके द्वारा एक सिक्का चलाया गया, जिस सिक्के में राजा और रानी दोनों का चित्र था, इसमें राजा अपनी रानी को अंगूठी जैसी कोई चीज दे रहा था। कुछ विद्वानों ने इस बात को चंद्रगुप्त प्रथम के लिए स्वीकार कर दिया और कहा कि यह सिक्का समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट शासक देखेंगे जिसका नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो जो नेक्स्ट शासक है हमारा उसका नाम है समुद्रगुप्त। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजधानी रहेगी, ठीक है, मतलब इसका जो क्षेत्र था वो यूपी बिहार के आसपास का क्षेत्र, वही मगध वाला क्षेत्र था। तो यूपी और बिहार का क्षेत्र था गुप्त शासकों का, और चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजधानी थी, जो उसका कैपिटल था, वह कैपिटल जो रहेगा वह रहेगा पाटलिपुत्र। ये भी आप पॉइंट नोट डाउन करोगे, यूपी बिहार के आसपास का क्षेत्र इनके साम्राज्य में शामिल था, और इसकी राजधानी जो थी वह थी पाटलिपुत्र। इसके बाद जो हमारा शासक है उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त। 335 से लेकर के 375 ईस्वी।
तो 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश का जो शासक बना उसका नाम था समुद्रगुप्त। अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद में शासक बनता है, लेकिन इसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा अपने मरने से पहले ही कर दी, और उस घोषणा में जिस व्यक्ति का नाम लिया, जिस पुत्र का नाम लिया, वह पुत्र था समुद्रगुप्त। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है, इसकी जो माता थी वो कुमार देवी थी। ठीक है, तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न पुत्र था, इस वजह से समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है। लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है, तो लिच्छवियों का दोहित्र था, इसलिए इसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है कि कुमार देवी से। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल के दौरान ही अपने उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को घोषणा कर दी। ठीक है, इस आज्ञा को सुन करके कुछ लोग प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ लोगों के मुख विलीन हो गए, रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, जिसका तात्पर्य यह रहा कि गद्दी के और भी दावेदार थे, गद्दी के और भी दावेदार थे, जिस वजह से कुछ लोग चंद्रगुप्त प्रथम के इस फैसले से नाराज रहे। किंतु जब चंद्रगुप्त प्रथम मरा तो समुद्रगुप्त ने सभी विद्रोहियों या जितने भी विरोधी थे सभी को शांत कर दिया और 335 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया, और जब तक ये गद्दी पर रहेगा वो समय रहेगा 375 ईस्वी तक। इसका एक अन्य नाम मिलता है, और एक अन्य नाम मिलता है, वह नाम है कांच गुप्त। ठीक है, तो कांच गुप्त के नाम से जो शासक जाना गया है उसका नाम समुद्रगुप्त है। इसका एक अन्य नाम है कांच गुप्त, इसको कह रहे हैं हम लिच्छवी दोहित्र। और अब इसकी उपाधि की बात करते हैं। एक उपाधि है इसकी व्याघ्र पराक्रमान। ठीक है, एक उपाधि है इसकी व्याघ्र पराक्रमान। तो समुद्रगुप्त की कुछ उपाधियां हैं जिनमें एक उपाधि है व्याघ्र पराक्रमान और एक उपाधि है इसकी पराक्रमान। तो यह उपाधियां जिस शासक के द्वारा ली गई उस शासक का नाम क्या है? तो शासक का नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो कांचगुप्त इसका अन्य नाम है। कुमार देवी का पुत्र होने की वजह से इसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया था। इसकी उपाधि जो है वो है व्याघ्र पराक्रमान, और पराक्रमान इसकी क्या है? उपाधि। नेक्स्ट बात करें समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। विस्तार से जो भी राजा बनेगा उसकी पहली इच्छा रहेगी मेरे साम्राज्य का विस्तार हो, जिससे लंबे समय तक उसके उत्तराधिकारी साम्राज्य पर अपनी पकड़ बनाए रखें। तो जितना बड़ा साम्राज्य उतनी लंबे समय तक पकड़ बनी रहेगी, इसीलिए समुद्रगुप्त के समय महत्वपूर्ण शासक था। पराक्रम जैसी उपाधियां ले रहा है, व्याघ्र पराक्रम जैसी उपाधि ले रहा है। इस पराक्रम होता है महाबली, बाहुबली, योद्धा। व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र कहते हैं हम शेर को, तो शेर को मार करके अपना पराक्रम किया, शौर्य उजागर किया, इसलिए व्याघ्र पराक्रम। इतनी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, तो उपाधियां मिली उसको साम्राज्य विस्तार के दौरान। तो इसने अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया, गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जिसके समय हुआ वह है समुद्रगुप्त। अब साम्राज्य विस्तार कैसे होता है? ऐसे तो है नहीं कि आप पड़ोसी राज्य के पास जाओ और कहो कि आप सत्ता छोड़ दो, आपका राज्य मेरे साम्राज्य में मिला दो। हम पाकिस्तान को जाकर के ये तो कह नहीं सकते कि आप सत्ता छोड़ो, हमारा साम्राज्य, आपका साम्राज्य, आपका देश भारत में मिला दो। चाइना को हम ऐसे कह नहीं सकते। साम्राज्य विस्तार के लिए हमें दूसरे देश के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और उस युद्ध में विजय होना पड़ेगा, और विजय के बाद ही उसका साम्राज्य हमारे साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। तो समुद्रगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है अपने कार्यकाल के दौरान, तो वह उपलब्धि है समुद्रगुप्त की विजय। जी हाँ, विजय। और समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख जिसमें मिलता है वह जो प्रशस्ति है उसका नाम है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। तो अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की विजय को लेकर के। समुद्रगुप्त की विजय, तो आप पॉइंट डालेंगे समुद्रगुप्त की विजय।
ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है वह है समुद्र गुप्त की विजय। ठीक है, मैं आपको इसको मैप के माध्यम से समझाता हूं। ये प्रारंभिक गुप्त साम्राज्य है, ठीक है, तो बिहार उत्तर प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र था वो गुप्त साम्राज्य था। एक इधर का जो क्षेत्र था यह वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं आर्यव्रत। ठीक है, आर्य अपन वैदिक सभ्यता में पढ़ के आए थे कि सप्त सेंदूर प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र था उसे आर्यव्रत कहा गया था, तो इस क्षेत्र को आर्यव्रत कहा गया और यह जो क्षेत्र है इसे कहा गया है दक्षिणा पथ कहा गया। जी हाँ, इसे दक्षिणा पथ कहा गया क्योंकि दक्षिण में जो क्षेत्र था उसे क्या कहा गया, दक्षिणा पथ। नेक्स्ट बात करूं, यूपी से लेकर के जबलपुर मध्य प्रदेश तक का कुछ हिस्सा इसे कहा गया है आटविक राज्य। ठीक है, आपने इसको बोल सकते हैं वन क्षेत्र, वन क्षेत्र, तो पहाड़ी वाले क्षेत्रों को क्या कहा गया है, आटविक राज्य या वन क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की सीमावर्ती राज्यों की विजय, सीमा वर्ती राज्यों की विजय। और नेक्स्ट है विदेशी राज्यों की प्रति नीति। ठीक है, पहला है समुद्रगुप्त की, अपन समुद्रगुप्त की विजय की चर्चा करने वाले हैं, तो पहला है समुद्रगुप्त की आर्यव्रत की विजय, दूसरा है दक्षिणापथ की विजय, तीसरा है आटविक राज्य या वन क्षेत्र की विजय, और चौथा और पांचवा मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो इस प्रकार का उस समय का भारत था और इस तरह से समुद्रगुप्त की कुछ विजय और विजय को लेकर के नीतियां। तो समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा और विस्तार करने के लिए उसको अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से, पड़ोसी क्षेत्रों से, अपने आसपास के लगते हुए क्षेत्रों से उसे युद्ध करना होगा और युद्ध में उन्हें जीतना होगा। तो बात करते हैं हम समुद्रगुप्त की आर्यव्रत की विजय। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की आर्यव्रत की विजय के लिए बता दूं कि समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत को 2 बार विजय किया था। कितनी बार विजय किया था, 2 बार। ठीक है, आर्यव्रत ने कितनी विजय की, 2 बार। प्रथम बार में 3 राज्य विजय किए और सेकेंड टाइम में 9 राज्य विजय किए, तो कुल कितने राज्य विजय हो गए, 12। ठीक है, आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त की आर्यव्रत की विजय को लेकर के, और आर्यव्रत की विजय में समुद्रगुप्त ने 2 बार विजय की। पहली बार में जो उसका विजय अभियान था उसमें समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 3 राज्यों को विजय किया और दूसरे अभियान में उसने 9 राज्यों को विजय किया। अब विजय किया तो उस विजय क्षेत्र के साथ में कुछ नीति होगी, सभी देशों के साथ में हमारी समान नीति नहीं हो सकती है, तो समुद्रगुप्त की भी अलग अलग देशों की विजय के साथ में उसकी अलग अलग नीति थी। तो पहले मैं बात करूं आर्यव्रत की विजय को लेकर के, 2 बार विजय, प्रथम बार 3 और सेकंड टाइम 9। अब बात करनी है इंपॉर्टेंट जो है नीति, कि समुद्रगुप्त ने इन राज्यों के प्रति नीति कौन सी अपनाई। तो इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई थी उस नीति का नाम था प्रस्भो हरण, जिसका अर्थ है साम्राज्य में जबरन विलय कर लिया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने इन 12 राज्यों को जीत करके, पहली बार में 3 और सेकंड टाइम में 9, समुद्रगुप्त ने इन 12 राज्यों को जीत करके उन्हें अपने साम्राज्य में विलय कर लिया, और विलय जिस नीति से किया उस नीति का नाम था प्रस्फुहरण। तो जबरन इन राज्यों को जीत करके समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया, पहली बार में 3 और सेकंड टाइम में 9। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र का विलय किसमें हो गया,
गुप्त साम्राज्य विलय हो गया और गुप्त साम्राज्य बढ़कर के यहां तक चला गया। बताओ साम्राज्य का विस्तार हुआ नहीं हुआ? अब जब समुद्रगुप्त इधर की विजय से संतुष्ट हो जाता है तो उसके बाद समुद्रगुप्त अपना नेक्स्ट अभियान करता है और वो अभियान होता है दक्षिणापथ के लिए। जी हाँ, दक्षिणापथ के लिए। तो समुद्रगुप्त का जो अभियान होगा वह नेक्स्ट है दक्षिणापथ की विजय। ठीक है, सेकंड अभियान कौन सा होगा? दक्षिणापथ की विजय। और दक्षिणापथ में जितने राज्य जीतेगा वह राज्य होंगे 12 राज्य। कितने राज्य? 12 राज्य। अब कुछ चीजें यहां पे हमें नोट करने की जरूरत है। प्राचीन भारत का पहला ऐसा शासक जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया या अपने सेफ जोन से निकल करके वो दक्षिण भारत गया। आपको ध्यान होना चाहिए यहां पर है विंध्याचल पर्वत और यहां है नर्मदा नदी। तो विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं। आप सदैव ये देखोगे, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास हो, तीनों ही इतिहासों में उत्तर भारत दक्षिण भारत से अलग ही नजर आएगा। यहां पर अलग प्रकार की वंश सत्ताएं चलेगी, उत्तर भारत में अलग चलेंगी। उत्तर भारत में आप सल्तनत काल मुगल पढ़ोगे, दक्षिण भारत के अंदर आप बहमनी विजयनगर, ठीक है, या पांच राज्यों विभक्त राज्यों को पढ़ोगे। प्राचीन भारत के अंदर आप ऊपर मौर्य और गुप्त पढ़ोगे, दक्षिण भारत में आप संगम युग पढ़ोगे, चौल चालुक्य पांड्य चेर वगैरह, ठीक है, बकाटक राष्ट्रकूट सातवाहन। तो दोनों की राजनीति, चाहे उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दोनों की राजनीति अलग रहेगी। तो ऐसा एक शासक प्राचीन भारत का जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है, उस शासक का नाम जो है वह है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त उत्तर भारत से निकलता है, दक्षिण भारत की ओर जाता है और जाता ही है, इसके साथ साथ वो सफल भी होता है और वहां के 12 राज्यों को विजय करता है। अब राज्य तो उसने विजय कर लिए, विजय के साथ में उसे उन राज्यों के साथ में एक नीति भी अपनानी पड़ेगी और जो नीति समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई उस नीति का नाम था ग्रहण मोक्षाणु ग्रहण। ठीक है, ग्रहण मोक्षाणु ग्रहण, इसका अर्थ होता है राज्य पर अधिकार करके उसे मुक्त कर दिया। राज्य पर अधिकार करके उसे मुक्त कर दिया और जो उसका उद्देश्य था इन राज्यों को विजय करने का, वह उद्देश्य था धन प्राप्त करना और धन में उसे मिला बहुत सारा सोना गोल्ड। ठीक है, धन प्राप्त करना उसका उद्देश्य था और धन में उसको मिला है बहुत सारा सोना या गोल्ड। तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति अपनाता है जिसका अर्थ है राज्य पर अधिकार करना और अधिकार करके उसे मुक्त कर देना और उसका उद्देश्य था दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का, यहां से धन प्राप्त करना। तो दोनों राज्य के साथ नीतियां लगती हैं, यहां प्रस्भोहरण है, यहां ग्रहण मोक्षानुग्रहण है। रीजन क्या है? यहां पर भी वो प्रस्भोहरण अपना सकता था या उत्तर भारत में ग्रहण मोक्षानुग्रहण अपना सकता था। रीजन क्या रहा? तो रीजन ये रहा कि यह गुप्त साम्राज्य है और यह समीपवर्ती क्षेत्र है, तो इस पर गुप्त शासक आसानी से अधिकार करके यहां पर जो विद्रोह होंगे उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सेना को भेज करके तो आसानी से फंक्शन करा सकते थे वो इन क्षेत्रों में। लेकिन दक्षिण भारत के साथ स्थिति गंभीर थी, अलग थी। अगर आपने ज्योग्राफिकल दृष्टि से दक्षिण भारत को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, जहां पर पर्वत, इधर एक पर्वत आता है जिसको बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत, इधर एक पठार आता है जिसका नाम है दक्कन का पठार, इधर भी पठार। तो ये जो पूरा क्षेत्र था ये पर्वतीय पठारी क्षेत्र था और ऊपर वाला क्षेत्र था मैदानी क्षेत्र था। तो यहां पर आप अधिकार तो कर सकते थे लेकिन लंबे समय तक अधिकार करने के लिए आपको अत्यधिक मात्रा में सेना चाहिए थी। अगर आप सेना यहां छोड़ेंगे तो उत्तर भारत की राजनीति से हाथ धो बैठेंगे। तो ऐसे में समुद्रगुप्त ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद में उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करा करके उनसे धन प्राप्त करके उनको मुक्त कर दिया, क्योंकि वो लंबे समय तक यहां पर अधिकार नहीं कर सकता था क्योंकि यह क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था, छापामार युद्ध क्षेत्र था। तो ऐसे में समुद्रगुप्त को नुकसान पहुंच सकता था, इसलिए उसने इस क्षेत्र का विलय नहीं करता है अपने उत्तर भारत में या अपने गुप्त साम्राज्य। तो नीति आपको याद रखनी है जिसका नाम है ग्रहण मोक्षानुग्रहण, दुश्मन पर अधिकार करके उसे छोड़ दिया।
अब हम चलते हैं आठवीं राज्यों। आठवीं का अर्थ होता है वन क्षेत्र, तो यहां पर भी विजयगी तो ये कबीलाई क्षेत्र था। आठवीं जो राज्य थे यह कैसे क्षेत्र थे? कबीलाई क्षेत्र थे, और यहां पर जो शासन चलता था वो कबीले के मुखिया के द्वारा चलता था, तो वन क्षेत्र था। और ये जो वन क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जबलपुर, गया के बीच के आसपास का क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करके यहां पर जो नीति अपनाई समुद्रगुप्त ने, उस नीति का नाम है परिचारकीकृत, जिसका अर्थ होता है सेवक बना लिया। क्या बना लिया? सेवक बना लिया। अब समुद्रगुप्त या उसके मंत्रीगण वन क्षेत्र पर शासन कैसे करेंगे? उन्हें तो उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो समुद्रगुप्त ने इन क्षेत्र को विजय कर लिया, और विजय करने के बाद में जो कबीलाई मुखिया थे उनको अपना सेवक बना लेता है। तो उनके साथ परिचारकीकृत नीति अपनाता है कि आप शासन करो लेकिन मेरे सेवक के रूप में शासन करोगे। तो उनको भी उनका राज्य उन्हें दे दिया, और सेवक के रूप में वो उस कबीलाई क्षेत्र में शासन करते रहे, और एक राजा को वो सेवक के रूप में अपना टैक्स भेजते रहते हैं। तो ये समुद्रगुप्त की तीन विजय हो गई है आपके पास। आर्यव्रत की विजय, सीमावर्ती क्षेत्र दक्षिणापद की विजय, आठवीं राज्यों की विजय। अब बात करूं मैं आपके साथ में सीमावर्ती राज्यों की विजय को लेकर के। तो कुछ सीमावर्ती क्षेत्र थे, उसके साथ भी उन सीमावर्ती क्षेत्रों को भी समुद्रगुप्त ने जीता, ठीक है। तो सीमावर्ती क्षेत्र की विजय, सीमावर्ती क्षेत्र की विजय या सीमावर्ती राज्यों की विजय, तो जो क्षेत्र सीमावर्ती, जो क्षेत्र उसके राज्य की सीमा में आ रहे थे, जैसे कि आर्यव्रत को विजय कर लिया, आठवीं राज्यों को विजय कर लिया, तो उन सीमा वाले क्षेत्रों को भी उसने विजय करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। छोटे छोटे क्षेत्र थे। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं विदेशी राज्यों के प्रति उसकी नीति। यहां विदेशी राज्य कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुषाण, श्रीलंका, ठीक है, कुषाण शासक थे, श्रीलंका थे, हुरन, इस प्रकार के तीन विदेशी राज्य थे। विदेशी राज्य प्रति समुद्रगुप्त ने क्या नीति अपनाई? तो समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्य के प्रति एक नीति अपनाता है, और विदेशी राज्य समुद्रगुप्त की इन विजयों को देखकर के आत्मसमर्पण कर देते हैं कि यह इस शासक से हम युद्ध नहीं कर सकते, या इस शासक से हम संघर्ष नहीं कर सकते। तो विदेशी राज्यों ने कुछ कार्यों से समुद्रगुप्त को खुश किया। पहला कार्य तो यह था कि विदेशी राज्य समुद्रगुप्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं, और एक कुछ कार्यों से खुश करते हैं। तो पहला है आत्म निवेदन, दूसरा है कन्योपायन, तीसरा है गरुड़ चिन्ह से अंकित मुद्रा का प्रयोग, ठीक है। तो ये कुछ कार्य थे जिससे विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त को खुश किया, और पहला कार्य आत्मनिवेदन था, जिसमें विदेशी राज्य समुद्रगुप्त के समीप उपस्थित होते हैं, और उपस्थित होकर के उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट कार्य था जो था कन्योपायन, इसका अर्थ है अपनी कन्याओं को उपहार स्वरूप समुद्रगुप्त को दे देते हैं, ठीक है, अपनी कन्याओं को उपहार स्वरूप समुद्रगुप्त को दे देते हैं। नेक्स्ट है गरुड़ चिन्ह से अंकित मुद्रा का प्रयोग, जो गुप्त शासकों की मुद्रा थी या उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो गरुड़ था, तो इससे अंकित मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये विदेशी राज्य भी समुद्रगुप्त के प्रति आत्मसमर्पण थे। तो ये समुद्रगुप्त की विजय थी। इन्हीं विजयों की वजह से, इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी विजयों की वजह से समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को एक व्यक्ति है जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। आप ये नाम ध्यान रखेंगे, एक इतिहासकार है जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। समुद्रगुप्त की इन विजयों को देखकर के विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को एक उपाधि दी, और जो उपाधि समुद्रगुप्त को दी या जो नाम दिया, सॉरी उपाधि नहीं, समुद्रगुप्त को एक नाम दिया, और समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है, नेपोलियन। फ्रांस का शासक हुआ करता था नेपोलियन, फ्रांस का विस्तार उसने किया, तो नेपोलियन कह दिया भारत का विंसेंट स्मिथ ने किसको? समुद्रगुप्त को। तो ये समुद्रगुप्त की महत्वपूर्ण विजय थी।
जिस वजह से इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। आप इसको विजय को वापस से एक बार सुनिए, रिवाइज करिए। आर्यव्रत की विजय। आर्यव्रत समुद्रगुप्त या गुप्त साम्राज्य के समीपवर्ती क्षेत्र था, दो विजय की थी या दो बार विजय की, प्रथम बार में 3, सेकंड टाइम में 9 राज्य, टोटल 12 राज्य। नीति है आपको याद रखनी है क्योंकि सुमेलित करवा सकते हैं। नीति थी प्रस्पोहरण, जिसका अर्थ है साम्राज्य का विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है दक्षिणापथ की विजय। 12 राज्यों को विजय किया, दक्षिण भारत के राज्य थे। उद्देश्य था स्वर्ण प्राप्त करना, नीति अपनाई ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण, अधिकार करके उन्हें पुनः मुक्त कर दिया स्वर्ण प्राप्ति के बाद में। सीमावर्ती राज्यों की विजय। तो सीमावर्ती कुछ क्षेत्र थे, छोटे मोटे क्षेत्र थे, उन्हें उसने विजय किया। आर्कटिक राज्य वन क्षेत्र की विजय। कबीलाई क्षेत्र थे, नीति अपनाई थी परिचारकीकृत, उन्हें अपना सेवक बना लिया। और विदेशी राज्य ने समुद्रगुप्त की विजय को देख करके, जो कुशाण श्रीलंका और वर्णन के क्षेत्र थे, उन्होंने आत्मनिवेदन समुद्रगुप्त के समीप उपस्थित होकर के अपनी कन्याओं को उपहार में देकर के और गरुड़ चिन्ह से अंकित मुद्रा का प्रयोग करके समुद्रगुप्त को खुश कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ विदेशी राज्य थे जिनको समुद्रगुप्त ने क्या किया था, विजय किया था। एक देखो शक राज्य भी थे, एक मुरंड राज्य। तो ये 4 विदेशी राज्य थे, कुशाण श्रीलंका शक और मुरंड। तो इन राज्यों को समुद्रगुप्त ने विजय किया था। अब एक छोटी सी चीज और देखते हैं, समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्के, जिनको लेकर के प्रश्न आता है। नेक्स्ट जो बात है वह बात है समुद्रगुप्त के सिक्के। पहला प्रश्न तो यही हो सकता है हमारा कि समुद्रगुप्त के समय कितने प्रकार के सिक्के चले। तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सिक्के। हम गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्कों की बात एक साथ करेंगे, जिसमें किसने सर्वप्रथम चांदी का, किसने सोने का, किसने तांबे का, किसने सर्वाधिक, किसने कम, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं समुद्रगुप्त के सिक्के। तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। कितने प्रकार के? 6। आपको 6 के 6 प्रकार पता होने चाहिए। पहला जो प्रकार का सिक्का था वह उनकी खुद की राजकीय चिन्ह मुद्रा थी, जिसका नाम था गरुड़ आकृति का सिक्का। ठीक है, तो गरुड़ आकृति का सिक्का चलाया। परसु आकृति, ठीक है, तो एक सिक्के के ऊपर गरुड़ के चिन्ह बना हुआ था, दूसरा सिक्का था उसपे परसु की आकृति। परसु एक हथियार है जो भगवान परशुराम का हथियार था, तो परसु आकृति का सिक्का। तीसरा सिक्का धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। ठीक है, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, इसमें समुद्रगुप्त को हाथ में धनुष पकड़े हुए दिखाया गया है, तो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। चौथा सिक्का है जिसका नाम है व्याघ्र परा, व्याघ्र सिक्का। ठीक है, व्याघ्र यानी कि शेर को मारते हुए समुद्रगुप्त ने अपने धनुष से शेर का शिकार करते हुए जो सिक्का है उसका नाम है व्याघ्र सिक्का। नेक्स्ट वीणा वादन सिक्का, तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए उसका एक सिक्का है वीणा वादन प्रकार का सिक्का। और नेक्स्ट सिक्का जो था वह था अश्वमेध प्रकार का सिक्का। ठीक है, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। तो ये 6 प्रकार के सिक्के हो गए जो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। आपको 6 के 6 नाम पता होने चाहिए। एक है गरुड़ आकृति का सिक्का, दूसरा है परसु आकृति का सिक्का, तीसरा है धनुर्धर आकृति का सिक्का, चौथा है व्याघ्र, पांचवा है वीणा और छठवा है अश्वमेध प्रकार का सिक्का। तो ये 6 प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने 2 गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा है, जिसमें एक का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरे का नाम है समुद्रगुप्त। दोनों में सबसे महत्वपूर्ण शासक है समुद्रगुप्त। इसे जाना गया विजय के लिए, इसीलिए इसको नाम दिया गया विंसेंट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था। क्या कहा गया था? भारत का नेपोलियन। इसके बाद जो हमारी कल की क्लास रहेगी उसमें हम समुद्रगुप्त के बाद बनने वाले शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ेंगे, और दोनों के मध्य एक कड़ी थी जिसका नाम था रामगुप्त। तो उसकी भी चर्चा करेंगे कि रामगुप्त गद्दी पर बैठा या नहीं बैठा, उसके विवरण कहां से प्राप्त हुए उसके बारे में, और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में।
तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। धन्यवाद।